नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू परंपरा में बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें बड़ा पवित्र माना जाता है और इन चिन्हों का वैज्ञानिक महत्व भी है और ये चिन्ह जीवन में विशेष प्रभाव पैदा करते हैं। आज इन्हीं पवित्र चिन्हों में से एक चिन्ह की बात करेंगे जिसे कहते हैं स्वस्तिक। सबसे पहले जानते हैं कि स्वस्तिक का महत्व क्या है और धार्मिक रूप से इसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। देखिए, स्वस्तिक दो अक्षरों से मिल के बना है, स्वस्ति और क। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण या मंगल। कहते हैं ना कि विवाह कार्यों में, शुभ कार्यों में स्वस्ति वाचन करते हैं, यानी कल्याण या मंगल मतलब होता है स्वस्ति, और क का मतलब होता है देने वाला। तो इसी प्रकार से स्वस्तिक का अर्थ होता है कल्याण या मंगल करने वाला। स्वस्तिक एक विशेष आकृति है जिसको किसी भी कार्य की शुरुआत के पहले बनाया जाता है। स्वस्तिक बनाते हैं, कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, उसके पहले स्वस्तिक बनाते हैं। स्वस्तिक की चार भुजाएं होती हैं, तो ये माना जाता है कि ये चारों दिशाओं से शुभ और मंगल को आकर्षित करता है, जीवन में शुभता और मांगल्य ले आता है। चूंकि इसको कार्य की शुरुआत में रखते हैं और मंगल कार्य में रखते हैं, इसीलिए स्वस्तिक को भगवान गणेश का स्वरूप भी मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि स्वस्तिक भगवान गणेश का ही एक रूप है। माना जाता है कि अगर आप सही तरीके से स्वस्तिक का प्रयोग करते हैं तो इसके प्रयोग से संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर पूजा उपासना में स्वस्तिक बनाया जाता है। जिस पूजा उपासना में स्वस्तिक का प्रयोग नहीं होता, वो पूजा लंबे समय तक अपना प्रभाव नहीं रख पाती है। इसीलिए पूजा उपासना के शुरुआत में, शुभ और मंगल कार्य के आरंभ में अलग अलग चीजों से, हल्दी से, रोली से, कुमकुम से स्वस्तिक बनाया जाता है ताकि उसकी शुभता, उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे। अब ये जानते हैं कि स्वस्तिक का वैज्ञानिक महत्व क्या है। जब हम स्वस्तिक बनाते हैं या प्रयोग करते हैं तो इससे किस किस तरह के विशेष प्रभाव पैदा होते हैं। देखिए, सही तरीके का अगर स्वस्तिक बना हो, उसकी रेखाएं ठीक हों, उसके कोण ठीक हों, तो सही तरीके से बने हुए स्वस्तिक से ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। स्वस्तिक की ऊर्जा अगर आप वस्तु पर प्रयोग करें या व्यक्ति पर प्रयोग करें, वस्तु या व्यक्ति की रक्षा करने में और सुरक्षा करने में ये सहायता करती है। स्वस्तिक अगर घर में लगाया जाए, अस्पताल में लगाया जाए या दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाए,
तो आदमी रोग मुक्त रह सकता है, बीमारियां दूर हो सकती हैं और उसकी चिंता समाप्त हो सकती है। अगर आप गलत तरीके से स्वस्तिक का प्रयोग करें, गलत एंगल पर स्वस्तिक का प्रयोग करें, सही तरीके से ना बना हो, उल्टा बना हो, टेढ़ा बना हो, तो ऐसा स्वस्तिक भयंकर समस्या भी जीवन में दे सकता है। इसीलिए जब आप स्वस्तिक का प्रयोग करेंगे तो वो बिल्कुल सही तरीके से बना होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल सही तरीके से बना रहेगा तभी उससे जीवन में लाभ आपको ज्यादा होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।